आप लोगों का एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक प्रोजेक्टर की, जो कि आता है वॉचगो कंपनी की तरफ से, जिसका मॉडल नेम है वॉचगो युवा गो। ये हाल फिलहाल में ये भी लॉन्च हुआ है, 3-4 महीने होंगे इसे पॉपुलर, मतलब अभी हुआ है लॉन्च, कब हुआ ये नहीं पता मुझे भाई, वो मैं पॉपुलर मतलब ये अभी हुआ है लॉन्च, कब हुआ वो हमने चेक नहीं किया है। बाकी मुझे ये 4500 रुपये का पड़ा है और ये मैंने अमेजोन से परचेज किया है। देखो इसकी अनबॉक्सिंग हमने पहले ही कर दी थी, क्योंकि इसकी जो पैकिंग थी वो थोड़ी बहुत लूज सी लग रही थी, तो उसी के आगे हमने खुलवा दिया था। बाकी आपके लिए एक बार दोबारा इसकी अनबॉक्सिंग कर देंगे हम। देखो ये रहा प्रोजेक्टर, यहाँ इसके फीचर्स के बारे में लिखा हुआ है, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। और देखो भाई इसके साथ ये बॉक्स आया था मेरा, ये पैकेजिंग है ना, ये डबल टेप लगी हुई थी इस पर, तो हमें लगा कि माल वगैरह निकाल तो नहीं लिया, तो हमने पहले 3 पार्ट कर दिए थे इसके डिलीवरी बॉय के सामने ही। बाकी कोई घपलाबाजी नहीं हुई थी, ओके प्रोडक्ट आया हमारे पास और बढ़िया क्वालिटी में भी था। चलिए फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ, फिर मैं आपसे बाद में। तो यार देखो इस तरीके की पैकिंग है, पैकिंग काफ़ी अच्छी है 4500 के हिसाब से, अच्छा बॉक्स है। तो चलिए फटाफट से अनबॉक्सिंग कर लेते हैं इसकी। इस टाइप से एक फॉर्म आई थी, सेट प्रोजेक्टर का है, मजाक कर रहा हूँ गाइस, प्रोजेक्टर हमने पहले ही निकाल दिया है। तो देखिए ये रहा प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर की भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, वाइट कलर में है। इसको पहले साइड करते हैं एक बार, इसमें देखते हैं। इसके अंदर देखो यूज़र मैनुअल, वारंटी कार्ड, एक पावर केबल, काफ़ी अच्छी क्वालिटी नहीं है, यहाँ से तो और ही ज़्यादा घटिया है। इसके साथ में एक AB केबल है, इनको भी साइड करते हैं। अब हमारा मेन आइटम प्रोजेक्टर। तो यहाँ पे फोकस के लिए एडजस्टेबल दिया हुआ है, लेकिन कोई कवर नहीं है, ब्रांडिंग दी हुई है वॉचको की। और भाई इस पर लिखा हुआ था ये 180 डिग्री टिल्ट हो जाता है, मतलब यूं भी हो जाता है और ये पूरा यूं भी हो जाता है, लेकिन ये 180 नहीं हो रहा भाई, ये सिर्फ 90 डिग्री पे ही मूव हो रहा है, यूं और यूं। इसके साथ में देखो पीछे वेंटिलेशन के लिए दिया गया है, कोई फिल्टर वगैरह का सपोर्ट नहीं है इसमें। पावर बटन है, HDMI है, ये स्पीकर लगाने के लिए USB, और ये पता नहीं क्या आइटम है। इसके साथ पावर बोर्ड अटैच करने के लिए रहा, ये पावर बोर्ड अटैच करने के लिए है। नीचे चाइना वाइना लिखा हुआ है, चाइना का आइटम है ये तो। और साथ में वॉचगो युवा, यहाँ पे एक है फिल्टर वगैरह क्लीन करने के लिए, इसे हम बाद में देखेंगे क्योंकि नया आइटम है, अभी नहीं खोलूँगा इसे। साथ में क्वालिटी अच्छी है, प्लास्टिक की भी क्वालिटी बढ़िया है काफ़ी, और देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन हम इसे उस पर माउंट नहीं कर सकते हैं, उस पर मतलब जो माउंट आता है इसका उस पर, ठीक है। इसको सिर्फ टेबल वगैरह पर रख सकते हैं हम, या तो किसी दूसरी जगह पर। साथ में इसमें काफ़ी सारे फीचर आते हैं, हम अभी देखते हैं। तो यार देखो इसके साथ रिमोट भी था, ये मैंने पहले ही निकाल दिया था, मैं दिखाना भूल गया आपको, सेल वगैरह नहीं है इसके साथ। अभी मैंने नए सेल मंगाए हैं भाई, वो डाले हुए हैं इसमें, और हमने इसे चला वाला सब लिया था, टेस्टिंग भी कर लिया, तो ये बाहर ही रह गया था डब्बे से। तो चलो अब जल्दी से इसके प्रोजेक्शन को देखते हैं कैसा चल रहा है ये। अभी हमने इसको कुछ इस तरीके से सेटअप कर लिया है ताकि आपको मैं दिखा सकूँ प्रोजेक्शन वगैरह कैसा है इसका। ये पास ही है, इस दीवार पर हम करने वाले हैं प्रोजेक्ट। इस पर देखो कोई पर्दा वगैरह नहीं लगा हुआ है, तो बाकी देखते हैं इसका प्रोजेक्शन कैसा है इस पर। बाकी पर्दे पे इसकी क्वालिटी और अच्छी आती है। बाकी मैं इसे एक बार ऑन कर देता हूँ, ऑन कर दिया मैंने ये रहा रिमोट, ये देखो एक बार लाइट ऑफ। अब ये थोड़ा थोड़ा सिनेमा हॉल जैसा लग रहा है। तो भाई देखो सेटअप कर दिया है अच्छे से, वाईफाई भी अब जाके चेक कर लिया, चलने लगा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई थी। ये 100 इंच की स्क्रीन पे भी हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसको। और यार मैंने बताना भूल गया मैं आपको, इसमें ना काफ़ी सारी चीज़ें लेटेस्ट है, जैसे ब्लूटूथ 5.3 मिलता है इसके साथ, और ये एंड्रॉयड 13 पर बेस है, जो कि अभी तक तो किसी भी प्रोजेक्शन में नहीं आ रहा है प्रोजेक्टर में। एंड्रॉयड 13 एक लौता ही है जिसमें एंड्रॉयड 13 आ रहा है, वो भी ये 4500 के अंदर मिल गया है मुझे अभी, तो अभी लूटना चाहो तो लूट सकते हो आप इसे अमेजोन से। चलिए फटाफट से यूट्यूब चला के मैं आपको इसकी क्वालिटी दिखाता हूँ 100 इंच पे। तो देखो खटाखट यूट्यूब चल गया। अब एक आधा गाना चला देते हैं हम इस पर पहले, जिस पर कॉपीराइट ना आए। तो प्रोजेक्शन स्क्रीन आप देख सकते हैं इसकी,
और इसके साथ हमें एक स्पीकर भी मिलता है जो इसी के अंदर है, 3 वाट का। तो ये जो आप साउंड सुन रहे हैं वो इसी स्पीकर का है। फॉन्ट्स वगैरह सब कुछ पढ़ने में इजी है। एज इस पर थोड़ा ब्लर देखने को मिल रहा है, लेकिन 4500 के हिसाब से भाई मेरे हिसाब से तो ठीक है, बाकी आप अपना देख लेना। एक दो और चीज़ दिखाता हूँ, थोड़ा ब्राइट वीडियोस चला के देखते हैं, क्योंकि वाइट स्क्रीन नहीं है तो ब्राइटनेस में थोड़ी कमी आ रही है। वाइट स्क्रीन होती तो और अच्छी ब्राइटनेस आती इसमें। देखो मज़ा आ जाएगा भाई, सच बता रहा हूँ, पॉपकॉर्न लेके आ रहा हूँ मैं तो अभी। और देखो एक दो चीज़ें और दिखाता हूँ आपको इसकी। एंड्रॉयड बेस है तो भाई देखो ऐप स्टोर पर जाओगे, क्रोम भी चलाओगे, और जो देखना है वो देखो क्रोम पे आप। इसके साथ साथ क्रोम तो है ही है, कहाँ गया क्रोम, ये देखो क्रोम है। क्रोम पे अब आप जो चलाना चाहते हैं वो चला सकते हैं, हमने इंस्टॉल कर लिया। मोज़िला वोज़िला सब है इसके साथ। अगर क्रोम के अलावा आप इस पर प्ले स्टोर भी चला सकते हैं, प्ले स्टोर भी है। कहाँ गया यार प्ले स्टोर, ऐप्स में आएंगे हम, माई ऐप्स में। ये देखो क्रोम, ट्रांस स्क्रीन उनके लिए होता है जो एप्पल का डिवाइस होता है जिनके पास, और मीरा कास्ट एंड्रॉयड के लिए। फाइल मैनेजर, यूट्यूब, ये WPS प्रोजेक्टर जो ऑफिस वगैरह में प्रोजेक्टर को यूज़ करने जाते हैं उनके लिए, बाकी प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, और ये बना हमारा प्ले स्टोर। इस पर आईडी बनानी पड़ेगी, मैंने बनाई नहीं हुई है। बाकी इसके साथ अगर हम ये फायर स्टिक वगैरह या कोई दूसरा चीज़ यूज़ करते हैं, जैसे MI बॉक्स हो गया, MI स्टिक या Realme स्टिक, तो इसकी स्पीड काफ़ी अच्छी आती है और क्लैरिटी भी बढ़ जाती है उससे। फीचर्स में तो देखो सारी चीज़ें बता ही दी है मैंने। बाकी मेरे हिसाब से तो अगर आप TV वगैरह लेने की सोच रहे हो तो उससे बढ़िया यही सेटअप हम ले सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा है उससे। तो अगर मैं इसको वाइट स्क्रीन पर चलाऊंगा तो क्वालिटी और निखर जाएगी इसकी। इसके साथ हमें यहाँ प्रोजेक्शन सेटिंग मिलती है इसकी, जैसे ये अभी ये ऑटो पे था तो इसने ये जो एजिज हैं ऑटोमेटिक सेट कर लिए थे। अगर मैं इसे ऑटो से हटा के मैनुअल पे करता हूँ तो मैं इसे खुद भी सेट कर सकता हूँ। तो देखिए अब मैं इसकी स्क्रीन को छोटा बड़ा कर सकता हूँ अपने हिसाब से, सेट करना चाहूँ अगर पर्दा वगैरह लगा रखा है मैंने या, तो इसको हम इस तरीके से भी सेट कर सकते हैं। बाकी इसको बैक करेंगे एक बार, और अगर ऑटो पर जाएंगे तो ये देखो ऑटोमेटिक इसने सेट कर दिया है, रीसेट करेंगे तो ऑटोमेटिक ले लेगा ये। बाकी इसमें कुछ मोड्स वगैरह ही है, जैसे हम इसे छत पे प्रोजेक्ट करते हैं तो ये नीचे आ जाएंगे, सीलिंग फ्रंट प्रोजेक्शन। बाकी ये 180 डिग्री रोटेट नहीं होता, 90 डिग्री होता है, ये इन्होंने उस पर गलत लिखा हुआ है। इसके ऊपर लिखा हुआ है ये 8500 लूमिंस की ब्राइटनेस है और 5000 घंटे का इसका वॉच टाइम है। सॉरी 5000 घंटे का इसका बैटरी वो लैंप लाइफ है भाई, वॉच टाइम नहीं है, 5000 घंटे का इसका लैंप लाइफ है। मतलब 5 साल तक आराम से हम डेली 10 घंटे भी चलाते हैं तो बढ़िया चल जाएगा ये 5 साल तक, हिसाब किताब बाकी आप थोड़ा कैलकुलेट कर लेना। बाकी देखो भाई ये रहा प्रोजेक्टर, अब और कुछ तो क्या ही चला के दिखाऊँ आपको, इसमें रील्स वगैरह बनाऊँगा तो देखना फिर छोटी छोटी। बाकी फिर वीडियो को अभी तो यहीं एंड करते हैं, अब मिलूँगा मैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए भाई बाय बाय और गुड नाइट। अब मैं पिक्चर देख रहा हूँ मैं तो, पॉपकॉर्न लाके, अब आप भी मजे करो।